फ्रॉम बागेश्वर। सबसे पहले बड़ों को पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। जैसा कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के दिन से। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का दिन दिखाऊंगी। कल रात जो बारिश हुई है और बारिश से जो हाल हुआ है पूरा जलमग्न हो गया है, तो एक बार देखिए कि तो दोस्तों ये देखिए कल रात भर जो बारिश हुई थी इससे पूरा जलमग्न हो गया है, पूरा एरिया पानी से भर चुका है। ये देखिए फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं वीडियो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे नवरात्रि स्पेशल बनाने वाले हैं, मैं उसी से रिलेटिव फ्लावर्स और माला बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम माला रेडी कर रहे हैं। साथ में ही बच्चे भी बैठे हैं जो अपनी रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन्हीं के संग ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ साथ में मैं भी अपना थोड़ा काम कम्प्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने कैसे फ्लावर्स बनाए हैं। ये देखिए ये है स्टैंड, फ्लावर मेकिंग स्टैंड है जिसके थ्रू मैंने फ्लावर्स रेडी किए हैं। इस टाइप के फ्लावर्स मेरे बने हैं। मैंने ऑरेंज एंड ग्रीन कलर लिया, ये मेरे ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं, ये मेरा ग्रीन कलर का ऊन है और ये हैं ग्रीन कलर के फ्लावर्स। तो क्या कहते हैं क्योंकि मेरे ऑरेंज कलर के ऑरेंज कम हो गया था कलर ऊन, फिर इसी से मैंने ग्रीन कलर का मैंने स्टार्ट करा फ्लावर बनाना। अभी मेरे फ्लावर्स पूरे कंप्लीट हो पूरे फ्लावर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बस इसको डेकोरेट करना बचा है। ये देखिए मेरे ऐसे स्टेप के फ्लावर्स बने हैं इस फ्लावर मेकिंग से। मैं अभी आपको केवल ये फ्लावर्स की माला अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है बना के दिखाऊंगी, लेकिन डेकोरेशन करके मैं कल ही दिखाऊंगी क्योंकि कल फर्स्ट नवरात्रि है तो मैं मंदिर का डेकोरेशन कल ही करूंगी। तो मैं ये माला आपको कल कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अभी मैं केवल जितनी मेरी कंप्लीट हुई है और किस टाइप की बन रही है अभी केवल वो दिखाऊंगी, लेकिन कंप्लीट माला विथ डेकोरेशन वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगी फर्स्ट नवरात्रि के दिन। तो देखिए मेरी माला इस टाइप की बन रही है, एकदम ओरिजिनल लग रहा है, ये नहीं कि वो बेकार लग रहा है, एकदम अच्छी माला लग रही है। इसी टाइप की ये पूरी माला बनेगी क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्लावर्स बचे हैं, अभी मुझे सारे फ्लावर्स अटैच करने हैं, तो ये इसी टाइप की बड़ी सी माला बनेगी। और ये कंप्लीट माला एंड डेकोरेशन मैं आपको कल बताऊंगी। सो थैंक यू।